स्वागत करते हैं और एक वीडियो पे। अभी टाइम हो रहा है रात की 10:30। अब आ गया CST पे, देखते CST की नज़ारा कुछ इस तरीके की, एकदम शानदार है। क्या बोलते बंधु, हम तीन जन आए हैं एक साथ और देखते कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट। अभी हम सब घूमने आए हैं एक साथ, रात के नज़ारा आप लोगों को दिखाने और देखने आए हैं। अभी सब मार्केट और ये है नीचे की मार्केट, कुछ इस तरीके की है। ज़्यादा कपड़ा ही दिख रहे हैं अभी आपको, हम जैसे जैसे देखेंगे वैसे आप लोगों को भी दिखाते जाएंगे। रात के 10:30 हो रहा है इसीलिए मार्केट पूरा कम हो गया, मतलब दुकान बहुत सारे दुकान बंद। अभी दूसरे लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आके फाइनली लोकेशन देख लिया। देखो इस तरीके की, क्या बताओ, यही है CST का नज़ारा, एकदम मस्त है अभी यार। गाइस फाइनली बारिश भी आ चुकी है, देख सकते हैं बारिश है। हम लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, बेस्ट लोकेशन है सामने ही है बाजू में, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे, बस यहाँ से ही फोटो खिंचा रहे। ये जो मस्त लोकेशन है यार, अभी जाते हैं वहाँ से लोकेशन पे। और CST आ गए हम, अब चलो बेस्ट लोकेशन पे है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फोटो शूट इन आवर फोटो शूट। वीडियो बनाता है बहुत, इंस्टाग्राम वाला वीडियो बहुत बनाता है। कल मेरा जिंदगी का फर्स्ट ऐसा व्यू, ऐसा मतलब क्या बताऊं आपको, रात 10:30 हो रहा है और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। क्या बताओ उसके बारे में, क्या सोचूं यार, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। इधर पास है मुंबई बस है ये, और इस लोकेशन के बारे में क्या बताओ, सामने गेट ऑफ इंडिया भी है। तुम्हारे जिंदगी में कभी ऐसा लोकेशन देखा? नहीं। गांव में? नहीं, गांव में ऐसा नहीं है। बस मुंबई आके? हाँ, मुंबई आके। सपना ही बदल गया? नहीं, सपना भी नहीं, ये नहीं देखा है। और ये आया मेरा एकदम इधर इधर, हाँ ये अभी आ रहे हैं। वो मेरा दोस्त है भले, वो आएगा अभी। अस्सलाम वालेकुम। आधा घंटा टाइम में CST एकदम पूरा नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ा बहुत देखा, लेकिन जितना देखा उतना तो मस्त है एकदम। क्या बोलते, एकदम मस्त है। हमने अच्छा खासा फोटो क्लिक किया, उसके बाद अच्छा खासा लड़की भी देखी। और फिर बंधु तो एकदम मतलब जो भी है, लेकिन मज़ा आया। और आधा घंटा टाइम में पूरा एकदम फुल एंजॉय किया। उसके बाद अभी जा रहे क्योंकि रूम से कॉल आ रहे हैं, छठ पूजा करने के। उसके बाद गाइस सामने आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाऊंगा, कुछ सीन्स दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। ऐसा भी लोगों का ज़िंदगी जा रही गुजर रही, मतलब क्या बताओ। बहुत लोग भी होते हैं, लेकिन होता है ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी बहुत कुछ होते हैं। ये देखो फाइनली ये सीन देखो, क्या बताओ इन लोगों के ज़िंदगी की देख के, मतलब ऐसा ही ज़िंदगी जी रहे, मतलब सड़क की बाजू में ही रात गुजारना पड़ता है ये लोगों का।
और मतलब कितना तकलीफें थी। आप सोच सकते हैं आपका किधर सो रहे हैं रात को और ये लोग कहाँ किधर सो रहे हैं रात को, मतलब बहुत दुख महसूस होता है यार। मतलब ढंग से खाना नहीं खा पाते, ढंग से सो नहीं पाते, मतलब ज़िंदगी का क्या ही बताऊँ। दुआ करना आप जिधर हो बहुत खुश हो, बहुत खुश नसीबी हो, आपको ऊपर वाला ने जितना दिया उतना को मतलब कभी भी कम मत समझना, क्योंकि आपका ज़िंदगी देखो और ये लोगों का ज़िंदगी देखो, ये लोगों का ज़िंदगी देखो। एक बार मैच करो, कैसा लगता है आपको, सोचो एक बार। मुंबई में रात को घूमने का मज़ा ही अलग है, लेकिन डर एक बात है कि कोई चोर मोबाइल लेके भाग ना जाए। और एक गर्दीला है। और क्या क्या डर है बंदूक? गर्दुल्ला का डर। क्या क्या? गर्दुल्ला का डर। गर्दुल्ला? गर्दुल्ला क्या होता है? नहीं यार तुम बात क्लियर करके बोलो। यह है पेट्रोल पंप मुंबई में, मतलब पेट्रोल पंप इतना छोटा रहता है यार, क्या बताऊँ। मतलब इतना गाड़ी इतना सब कुछ चलता है लेकिन पेट्रोल पंप इतना छोटा, उसके बारे में मतलब क्या ही बताऊँ। और ये देखो नज़ारा, देखो रात का नज़ारा बहुत खतरनाक ही, मस्त है एकदम। एकदम सामने से गुजरते हो, मतलब इधर से गुजरते हो, यहाँ पे कुछ बयान देखते बस पीछे ही चल रहे बयान बदलते। मेरा एक छोटा सा नाइट ब्लॉग देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।